आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू, नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचडी। स्वर कोकिला कही जाने लता मंगेशकर ने रानू मंडल को दी सलाह, किसी की नकल ना करे, ओरिजिनल गाने पे ध्यान दे। इतना ही कहने के बाद रानू मंडल के फैंस लता मंगेशकर भड़क गए। ट्विटर पे उन्होंने काफी लता मंगेशकर को खड़ी खोटी सुनाई। देखिए इस पे हमारी एक विशेष रिपोर्ट। लता मंगेशकर का गाया गाना एक प्यार का नगमा है, गाकर रातों रात इंटरनेट पर सेंसेशन बनी रानू मंडल अब सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। इसलिए जब हिंदी फिल्म की सुर सम्राज्ञी कही जाने वाली लता मंगेशकर ने रानू मंडल को नकल करने की बजाय ओरिजिनल बनने की सलाह दी तो लोग लता के पीछे पड़ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। बता दे कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भिखारी जैसी दिखने वाली एक महिला बेहद सुरीले अंदाज में शोर फिल्म का गीत एक प्यार का है नगमा गा रही थी। खोजबीन के बाद पता चला वायरल वीडियो में गाया एक महिला जिसका नाम रानू मंडल है, वो पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर गाना गाकर भीख मांगती और अपनी गुजर बसर करती है। रानू मंडल का वीडियो वायरल हुआ तो एक सिंगिंग रियलिटी शो में उन्हें मौका मिला। इस शो में हिमेश रेशमिया जज करते हैं। हिमेश ने रानू को आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी होडिंग एंड हीर में एक मौका दे दिया। फिल्म के 3 गानों को रानू गा चुकी हैं, जिसका वीडियो भी आपने देखा होगा। एक इंटरव्यू में जब लता मंगेशकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर किसी को उनके नाम या काम से फायदा होता है तो इसमें मेरी खुशी है। साथ ही लता ने नवोदित गायकों को ओरिजिनल रहने की सलाह दी है क्योंकि किसी की नकल कर आप सफलता ज्यादा दिन तक तो नहीं पा सकते ना। इसी बयान से लता मंगेशकर सोशल मीडिया पर ट्रोल की जा रही हैं। कुछ यूजर ने रानू के पक्ष में होकर लता मंगेशकर से सवाल जवाब किए। गर्मा गर्मी की अपेक्षा में लोगों ने कहा है कि लता मंगेशकर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था रानू मंडल को।